हम लोगों को न्याय चाहिए जी। अगर न्याय नहीं मिले तो फिर उन लोगों को इंकाउंटर किया जाए रास्ते में ही, उन लोगों को जैसे मेरे पापा लोग तरफ तरफ के मरे वैसे वो लोग भी मरना चाहिए। यूपी पुलिस के प्रशासन अधिकारियों के साथ में यूपी पुलिस की तरह आप लोग चाहते हैं कि यहाँ के प्रशासन को ऑर्डर मिल जाए जो कि इंकाउंटर हो जाएगा। जी आप बताइए, आज अनशन पर बैठे हुए हैं, अभी तक जिला प्रशासन से कोई पदाधिकारी मिलने तक नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं इस विषय पे? हम लोग तो यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें जिला प्रशासन मिला हुआ है, जिला प्रशासन मिला हुआ बैठे हैं। आज दूसरा दिन है, कल से आप लोग अनशन पर बैठे हैं, अब क्या मांग क्या है? सबको मार है, पांच चाचा लोग तो मार दिया, एक है मेरे पापा हॉस्पिटल में, हमें पैसा के लिए ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उसके लिए हम सबको न्याय चाहिए। उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था सरकार करे। ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है? पारस हॉस्पिटल दरभंगा पटना। मांगो ना कि सरकार व्यवस्था करेगी, सरकार व्यवस्था करेगा ना, पांच चाचा लोग तो मर गए उसके लिए भी कुछ नहीं हुआ, अब एक है तो उसके लिए तो करेंगे ही ना, हम सबको सिर्फ न्याय चाहिए, इलाज के लिए व्यवस्था चाहिए। ये भी दो दो छोटे छोटे बच्चा है। ठीक है, बताइए कि आज अनशन पर बैठे हैं, क्या आप लोगों की मांगे क्या है और क्यों इस तरह का देखने पड़ रहा है कि अभी तक जिला प्रशासन नहीं आया? क्यों रखे है उसको? उसको तो सीधा इनकाउंटर होना चाहिए, नहीं तो हम लोग उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। मेरे पापा को इतना तरफ तरफ के मारे, मेरे पास इतना साल जेल का सेवा किए, क्या मिला हम लोग को बतले? बस आंसू मिला और कुछ नहीं। हम लोग इतना तरफ तरफ जी रहे हैं, सबके लिए बस एक दिन का है, हम लोग को तो पूरा जिंदगी झेलना है ना, हम लोग का जिंदगी बर्बाद हो गया। उस सबको इनकाउंटर होना चाहिए, जितना मिल रहा है सबको मारो, अगर जेल में जाएगा फिर वो सब पैसा फेंकेगा दो तीन साल बाद बाहर। यही होता है यहाँ पे, यही होता है किसी कोई बच्चा अनाथ हो गया, कोई माँ विधवा हो गई, सबके सर से बाप का साया उठ गया, हम लोग को कोई देखने वाला है? कोई हमको आज दे देगा थोड़ा सा पैसा, हमारा जिंदगी चल जाएगा? हम लोग के फ्यूचर के बारे में तो कुछ सोचे, जो बालिक है उसको जॉब देना चाहिए पहले, हम लोग को मुआवजा जवाब ये सब हम सबको बाद में चाहिए, अभी हम सबको न्याय चाहिए। हम लोग को, हम लोग को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे, वेट नहीं कर सकते हैं, ना ही हम लोग उसको जेल में देखना चाहते, हम सबको बस उसका इनकाउंटर चाहिए, उसको मारिए, जिंदा जला दीजिए, नहीं तो नहीं आप लोगों से हो रहा है तो हम लोग को बोलिए, हम लोग करेंगे। हम लोग अपने पापा को अपने गोद में देखे मरते हुए, आप लोग भी सोचिए, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ तो आप लोग चुप होते क्या? हम लोग के साथ इतना बुरा हो गया और अभी तक तो उसको पकड़ के रखे हैं, वो लोग पैसा फेंकेगा, केस लड़ेगा, फिर निकल जाएगा। एक फौज यहाँ शहीद हो गए हैं, इनके बारे में अभी तक कोई नेता इसके तिरंगों को लेकर नहीं पहुँचा है, क्या इस पे क्या राजनीति किस तरह के देख रहे हैं आप लोग? क्या बोले अब हम, मेरे पापा 33-32 साल से वहाँ पे जॉब किए, हम लोग मेरे पापा यहाँ पे आगे बॉर्डर पे कुछ नहीं हुआ, मेरे पापा इतना बड़ा बड़ा युद्ध में कितना बड़ा मिशन में गए कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे आके मार दिया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा, अगर मिला है तो उसको वहीं मारना चाहिए, इनकाउंटर का ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको जेल में ला के रखो फिर थोड़ा दिन बाद वो छूट जाएगा फिर हम लोग को मार देगा, मेरे भाई सब जो क्या होगा उस सबका। कहाँ पोस्टिंग थे आपके पापा को? रामगढ़ जैसलमेर, सब इंस्पेक्टर थे, इतना साल से बॉर्डर पे रहे। कितना साल से? लगभग 32-33 साल से।